सिंहनाद परम पूज्य वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने शांति कुंज से किया है और जिसकी शाखा को लेकर, जिसकी मशाल को लेकर आदरणीय मनीष भैया इस पूरे बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, देश में जहां जहां भी बिहार के भाई बहन हैं उनमें वो प्राण फूंकने का काम कर रहे हैं। तो आप सबकी तालियों के बीच मैं आदरणीय भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कल, मैं पिछले 3 दिन से, सप्ताह भर का मेरा यहाँ शिविर है एक तरह से कह सकते हैं, कल देव संस्कृति विश्वविद्यालय का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है। जो लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि अपने आप में अनूठा है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, मगर यूजीसी से कोई ग्रांट नहीं लेता, कोई एड नहीं लेता, लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं लगभग 40 से ज्यादा एमओयू साइन किए गए हैं और एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहां के वाइस चांसलर, जहां के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांड्या को भारत सरकार आयुष मंत्रालय आमंत्रित करता है कि आप जाइए और भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए योग के क्षेत्र में। योग को हेरिटेज के रूप में स्थापित करने के लिए पूरे भारत से 2 व्यक्ति को भेजा गया, उसमें हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने नेतृत्व किया। और एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके परिजन जो अंशदान से चलता है, पूरा 16 करोड़ का गायत्री परिवार है, गायत्री परिवार के जो सदस्य हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है, या यूं कहें जो गायत्री परिवार के सेवा साधना स्वाध्याय से जुड़े हैं, ऐसे 16 करोड़ के गायत्री परिवार के सदस्य का एक बड़ा परिवार, एक बड़ा संस्था जो मातृत्व कर रही है शांति कुंज के दिव्य छाया में, जो ये पौधा देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पिछले 16 साल से चल रहा है, 2002 में इसकी स्थापना हुई। किस उद्देश्य से स्थापना हुई, जो आदरणीय मनीष भैया और आदरणीय निशांत भैया ने आप सबको बताया कि देश में इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, बैंक मैनेजर बनाने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए ना जाने कितने कोचिंग चल रहे हैं। कल ही हमको बिट्टू भैया यहां पर सब जगह बाल संस्कार शालाओं में घुमा रहे थे, तो हमने देखा कि रोड पर कैसे मेला लगा हुआ है और एक से एक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। आप कैसे जज करेंगे कि हु इज द बेस्ट टीचर एंड हु इज टीचिंग राइट, कैसे जज करेंगे? ये तो अलग बात है कि निशान भैया खुद भी कोचिंग चला रहे हैं और उनकी पकड़ वो टॉप 3 में यहां पर आते हैं और रीजनिंग के मामले में, और वो मोटिवेशन कर भी काम करते हैं, आप सबको प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से जोड़ते हैं, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन्हीं के वजह से इस पटना बिहार प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का पूरा नाम देश ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है कि आप सब लोग वो काम करके दिखा रहे हैं, आप सब लोग वो काम करके दिखा रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। पौधे को तैयार कर रहे हैं आप सबको क्या मिलता है, जो भाई लोग पढ़ाते हैं बच्चों को क्या मिलता है? ना पैसा मिलता है, ना पद मिलता है, ना रुपया मिलता है, ना खाना मिलता है, लेकिन खुद पढ़ाई करने आए हैं, तैयारी करने आए हैं, और आप सब नए पौधों को तैयार कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं ज्ञान दान से बढ़कर कोई दान नहीं है, और इसलिए शायद देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परिकल्पना जो वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने की थी कि देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जहां विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ पढ़ाया जाए। मैं आपको, आप लोग को लग रहा होगा कि पीला धोती कुर्ते में आए हैं तो वहां शायद बाबा जी बनाते होंगे, कोई मंत्र मंत्र पढ़ाते होंगे, नाम भी है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो कई लोग तो कहते हैं कि अच्छा संस्कृत विश्वविद्यालय है, पंडित पंडित बनाया जाता होगा, पूजा पाठ कराया जाता होगा, यज्ञ हवन कराया जाता होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि वहां के बच्चे एनिमेशन जैसे कोर्स भी पढ़ते हैं, और बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, जितने भी लेटेस्ट मूवी आती है उसमें हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे काम करते हैं, और उनको हाथों हाथ मुंबई की जितनी भी कंपनियां हैं जो मूवीज बनाती है उनको हाथों हाथ ले जाती है। 40-30 लोगों का बैच चलता है, एनिमेशन जैसे एडवांस कोर्सेज भी हम लोग चला रहे हैं, लेकिन वो भी गीता पढ़ते हैं, वो भी स्वाध्याय करते हैं, वो भी जप करते हैं, और प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वो मैथ्स पढ़ता हो, चाहे वो फिजिक्स पढ़ता हो, चाहे वो योग पढ़ रहा हो, चाहे वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा हो, हम लोग चाहते हैं, गुरुदेव का सपना था कि देश में इंजीनियर्स डॉक्टर बहुत हो गए, हालांकि इंजीनियर के क्षेत्र में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन समाज सेवी कम हो गए हैं। अभी भैया ने बताया ना कि टीचर बनना कोई नहीं चाहता आज, शिक्षक बनना कोई नहीं चाहता, और चाहता भी है तो वही सरकारी वाला की 17,000 वाला दामाद वाला, जो भैया इतने अच्छे से बताते हैं, हम उनकी एक्टिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी शैली जो है, वो कहते हैं प्रवचन वो नहीं करते, मैं मानता हूं उनसे बड़ा प्रवचन करने वाला कोई नहीं है और ना हुआ है इस बिहार में। उनकी बात सीधे दिल तक उतरती है क्योंकि वो दिल से बात करते हैं, दिखावा नहीं करते, व्याकरण बड़े बड़े शब्द का उच्चारण नहीं करते। बोलने वाले वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीवन से उदाहरण देने वाला व्यक्ति आपको प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के जो आपके भाई है उनके रूप में मिलेगा, जिनका जीवन साधना शिक्षा स्वाध्याय के लिए समर्पित है, उनके जीवन में साधना दिखती है। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में साधना के साथ शिक्षा दी जा रही है, सारे कोर्स, ऐसा नहीं है कि वहां के बच्चे अंगूठा टेक हो जाते हैं और भटकते रहते हैं। डिग्री मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, योग के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में,
जर्नलिज्म में अगर आपके अंदर टैलेंट है कि अगर अच्छा आप बोल सकते हैं, अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं उसमें आगे बढ़ते, आप उसमें बढ़िए, क्या जरूरी है। यही यही कल भी हम भैया से चर्चा कर रहे थे कि हमारे अंदर मानसिकता है। मैं भी झारखंड से हूं, मेरी मम्मी का भी मानसिकता था कि यार कोई भी सरकारी नौकरी में कैसे भी ढुकी जो, कन्हों को ढुकी जो। और उनको समझाने में मुझे पिछले 10 वर्ष लग गए, पिछले 10 वर्ष से मैं वहीं हूँ, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की। बहुत गरीब फैमिली से भी नहीं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पापा ड्राइवर थे, फार्मर थे, तो स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की हमने, जैसे तैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया तो फिर स्कॉलरशिप मिली। तो आप सब जो लोग गरीब तबके से आते हैं या जिनके पिताजी सक्षम नहीं है, मैं उनको बता दूं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 30-40% विद्यार्थियों का फीस माफ रहता है। और कौन देता है? अखिल विश्व गायत्री परिवार देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपके अंदर एक इननेट टैलेंट है। अगर आप और लोगों से हट करके हैं, और लोगों से हट करके हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, सिर्फ रोटी और रोजी कमाने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय नहीं खड़ा है। पैकेज में बिकने वाले जो बता रहे थे ना भैया कि दहेज में बिकने वाले की 25 लाख में देंगे, है ना, वो पैकेज में बिकने वाले लोगों को नहीं तैयार किया जा रहा है। ऐसे बंदों को तैयार किया जा रहा है जिनके प्रति, जिनके मन में समाज के प्रति, राष्ट्र निर्माण के प्रति दर्द हो। जो जैसे पुराने गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर जाके लोग रहते थे, पढ़ते थे और फिर अंशदान गुरु का कर्ज चुकाते थे, वो काम करना है। ऐसा नहीं है कि आजीविका नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वहां सन्यासी बनाया जाता है, वहां पढ़ाया जाता है आपको लाइवलीहुड के लिए, आपको वो भी कराया जाता है कि आप अच्छा कमाएं, योग के क्षेत्र में बढ़े। टूरिज्म मैनेजमेंट एमबीए बीबीए को मैं खुद पढ़ाता हूं, पीएचडी मेरी चल रही है, तो हम लोग सबको 100% प्लेसमेंट देते हैं, 30 सीट है, सभी बच्चों का प्लेसमेंट करा देते हैं, तो प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं है। बस अगर आप यही चाहते हैं कि हम पोर्टली बन जाएं 30,000 का, 40,000 का, 25 लाख का, तो फिर वो मुश्किल है, फिर आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय। लेकिन अगर आपके अंदर दर्द है कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी आजीविका जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए गुरुदेव ने परिचय दिया है। 16 करोड़ का गायत्री परिवार ऐसे इनके पीछे नहीं चल पड़ा, 4,000 से ज्यादा सेंटर्स पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में गायत्री परिवार का ऐसे नहीं बन गया। और कोई फीस नहीं ली जाती कहीं पर। आप शक्तिपीठ पे आते हैं, आप इतना बिजली पानी खर्च हो रहा है, कोई आपसे पैसा मांगता है क्या? नॉनस्टॉप हमारा एक ही उद्देश्य है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का भी एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती स्वर्ग जैसी हो। इसलिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्य और शिक्षक एक जगह रह के पढ़ाई करते हैं और अध्यापन और पूरा सिस्टम आप देखेंगे। कंप्यूटर साइंस आईआईटी रुड़की से हमारे यहाँ लोग आते हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं और वहां समाधान करते हैं, वो लोग बताते हैं कि उनके यहाँ भी जैसा कंप्यूटर लैब नहीं है जैसा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। सारे कोर्सेस प्रोफेशनल कोर्सेस हैं और सब में रूरल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि रूरल साइंस में हम आगे बढ़ें तो ऐसे कोर्सेस हैं। मैंने बताया आपको एनिमेशन जैसे एडवांस कोर्सेस भी चलते हैं, आप इसका मॉड्यूल देख लीजिएगा www.dsvv.ac.in पर। ज्यादा जानकारी तो नहीं दूंगा, बस आप सबको इन्वाइट करना चाहूंगा उस विश्वविद्यालय के होने के नाते कि अगर आपके अंदर भी दर्द है, आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज में कुछ नाम करना चाहते हैं, अपना किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए गायत्री के साधक को किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, सर्टिफिकेट योग किया हुआ बंदा आज दुबई में योग करा रहा है, सर्टिफिकेट होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट किया हुआ बंदा आज वियतनाम में योग सेंटर चला रहा है। और यहां भी बहुत सारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एलुमनाइज बैठे हुए हैं। आदरणीय मेरे साथ जो भैया है पवन भैया, उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड में 1.5 साल तक काम किया है और वो अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है शिक्षा शास्त्र विभाग में, बीएड डिपार्टमेंट में, और मैं एमबीए में पढ़ा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पोंगा पंडित हैं और वहां पंडित बनाया जाता है। विश्वविद्यालय कभी भी आपको मौका मिले, आप लोग घूमने जाते हैं ना, कभी भी आप आइए, आपके गर्मी छुट्टी में कभी छुट्टी हो, 2-4 दिन का टूर बनाइए, आप लोग प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के थ्रू भी आ सकते हैं, आप देखिए तो सही कैसे वहां चल रहा है, कोई ऐड नहीं लाती है। और मेंटेनेंस चार्ज, पटना में आप रहते होंगे, 2,000 रुपए आपको रूम का रेंट देना पड़ता होगा, 1,000 रहना खाना, 3,000 रुपए महीने में आपको अगर एजुकेशन मिल रही है, वेल मेंटेन लैब्स मिल रहे हैं, अच्छी लाइब्रेरी मिल रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात माता पिता जैसे अभिभावक मिल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं देश में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां स्वयं वहां का चांसलर गीता और ध्यान की क्लास लेता हो। मैं गर्व करता हूं कि मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, अगर आपको रजिस्ट्रार सर के दर्शन हो जाएं, वहां का रजिस्ट्रार वाइस चांसलर के दर्शन हो जाएं, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि रजिस्ट्रार आया है। और वहां हर पल वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन, जितने भी एकेडमिक्स के लोग हैं सब वहीं रहते हैं, आपके साथ क्रिकेट खेलते हैं, आपके साथ होली मनाते हैं, आपके हर सुख दुख में आपके साथ होते हैं। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय होगा दोस्तों जहां पर गीता और ध्यान की क्लास वहां के चांसलर डॉक्टर प्रणव पांड्या जैसे लोग ले रहे होंगे, जो विज्ञान स्वयं में वैज्ञानिक थे, एमडी थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, विदेश जाकर के विदेश की नौकरी छोड़ करके यहां पर आए। तो मैं बहुत सारी बातें हैं एक साथ नहीं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि मैं अपनी आप लोग कहेंगे कि अपनी बड़ाई कर रहा है वहां से आया है, तो आप आके देखिए
आप वेबसाइट पर देखिए, यूट्यूब्स पर देखिए, प्रोग्राम्स देखिए, वहां पर शांति कुंज वीडियोस के नाम से सर्च कीजिएगा, आप लोग पॉजिटिविटी के ओशियन से जुड़ जाएंगे। निशान भैया और ये जब भी आते हैं 10 मिनट के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा वो लोग ध्यान करते हैं और आप लोग रहते हैं। हम कहते हैं भैया आप यहाँ क्रांति कर रहे हो, आप यहाँ क्रांति के चिराग जला रहे हो, हम तो पौधा तैयार कर रहे हो, हम तो वहां जो पौधे बड़े आते हैं उनको बस थोड़ा नरिश कर पाते हैं। तो हमने भी कोशिश की है दोस्तों, हमारा जीवन भी बहुत परिष्कृत नहीं है, लेकिन 10% हमारे अंदर बदलाव आया है, उसी बदलाव के बयार में आप सबको भी आमंत्रित करते हैं। अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाकर आप सबको अपनी मैं बात को आराम करूंगा। कई बार आपको लगता होगा कि जीवन में क्या कर पाए, जीवन में क्या हुआ, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कंपटीशन पास नहीं कर पा रहे हैं और क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए छोटी सी कहानी है। एक राजा था, राजा वेश बदल करके, मैं कल ये बाल संस्कार शाला में भी ये कहानी सुना रहा था, राजा ने वेश बदल कर सोचा कि एक बार जाकर देखते हैं कि प्रजा मेरे खुश है कि नहीं मेरे राज्य में। तो वेश बदल कर वो घूमने निकला अपनी मंत्री के साथ। जब मंत्री के साथ राजा घूम रहे थे तो रास्ते में कुर्ता पहना था, कुर्ता का बटन टूट गया उनका, तो कुर्ता का बटन टूट गया तो मंत्री जी से कहा गया कि मंत्री जी आप थोड़ा जाके ढूंढिए, क्या कहते हैं कोई दर्जी मिल जाए। तो वो गए ढूंढने, चूंकि राजा वेश बदले हुए थे तो कोई दर्जी तैयार नहीं हो रहा था। फिर धीरे से मंत्री ने कह दिया कि देखो यहाँ के राजा आए हुए हैं, लेकिन ये बात सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं और तुम चुपचाप चलो। तो दर्जी तैयार हो गया कि महाराजा आया है भाई, कैसे नहीं जाएंगे। तो वो आया और बटन रखा हुआ था राजा के पास, उसने फटाफट सुई धागा लिया और बटन लगा दिया। राजा ने पूछा उससे कि कितना चार्ज हुआ आपका बटन लगाने का, जितना हुआ बता दो हम दे देंगे। तो दर्जी सोचा मन में कि राजा है, क्या बोलूं, सोचा 2 रुपया मांग लेता हूं, सोच ही रहा था अभी। फिर राजा ने पूछा कितना चाहिए, बोलो संकोच मत करो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो राजा दर्जी फिर सोचा कि 2 रुपया मांग लेते हैं, लेकिन फिर डर रहा था, पता नहीं राजा क्या सोच ले कि साला हमसे 2 रुपये लेता है और से कितना लेता होगा खाली बटन लगाने का, है ना। तो वो भी डर रहा था, सकुचा रहा था। तो फिर जितने में उसके मन में चल रहा था, फिर अंतिम में राजा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है आप दे दो। लेकिन फिर दर्जी ने कहा कि नहीं मालिक, आपका जो मन है वो आप दे दीजिए, आप तो महाराजा हैं, आपसे क्या कहना। अब महाराज पे बात आ गई कि भैया बटन लगाया है, अगर ये बोल दिया कल जाकर के बटन लगवाया और राजा ने कुछ नहीं दिया तो राजा की प्रेस्टीज पे बात आ जाएगी। तो फिर राजा ने कहा मंत्री जी इसे 2 गांव दे दिया जाए। कहां वो दर्जी 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहां राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु हमको बहुत कुछ देना चाहता है, हम ही अपनी सोच छोटी कर लेते हैं कि हे भगवान गायत्री माता बस यूपीएससी क्रैक करा देना, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, हे बजरंग बली शादी करवा देना, बस सब चीज कर दूंगा। तो जीवन में आप एक ही सीख लेके जाना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वो वाक्य, ऑलवेज थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग, द मोर यू थिंक बिग द मोर यू फील ग्रेटिट्यूड द मोर यू विल गेट। हर समय हर क्षण परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, आप इस पल सांस ले रहे हैं इसके लिए धन्यवाद दीजिए। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से जुड़ करके इतने अच्छे ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। माता पिता को धन्यवाद दीजिए जो आपको हर समय बचा करके आपकी पढ़ाई के लिए भेजते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पांव में चप्पल नहीं है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको एक आंख से उनको दिखाई नहीं देता, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अरे धन्यवाद देने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है। धन्यवाद देते चलिए, यकीन मानिए जितना आप धन्यवाद देंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, जितना आप सकारात्मक होंगे, जैसा भैया कह रहे थे, आपके जीवन में उतनी अनुदानों की वर्षा होगी, आपका जीवन और सुखमय होगा। और ये उदाहरण है, ये गवाह है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का कि जिसने भी गुरुदेव का काम किया है, सेवा का काम जिसने निश्चल भाव से किया है, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। आप सबके जीवन की मंगल कामना करता हूं और फिर से आदरणीय मनीष भैया, आदरणीय निशान भैया को और पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने हमें मौका दिया। बहुत छोटा हूं, अभी पीएचडी कर रहा हूं, 29 साल की उम्र है, आप सबके आसपास के उम्र का होगा अगर